वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज रमजान और नवरात एक साथ होने से प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में इन दिनों पूरी तरह से बदल गई है तस्वीर। जेल की दीवारों के अंदर सुबह 6 बजते ही भजन कीर्तन के साथ अजान की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगती है। कोई शक्ति की भक्ति में लीन हो जाता है तो कोई खुदा की इबादत में। ये सब कुछ एक साथ चल रहा है, वे भी जेल में सेंट्रल जेल नैनी में। इन दिनों माहौल पूरी तरह से भक्ति में रचा बसा है। जेल अधिकारियों ने नियम के तहत सारी सुविधाएं बंदियों को मुहैया कराई जो किसी भी धार्मिक प्रयोजनों के लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही बंदियों के खान पान का पूरा इंतज़ाम किया जा गया है। नवरात और रमज़ान का महीना एक साथ ही चल रहा है, इसी के साथ धार्मिक गतिविधियां भी अपने चरम पर हैं। सेंट्रल जेल नैनी में अछूती नहीं है। जेल की आबोहवा में आराधना गीत और इबादत की आवाज़ एक साथ गूंज रही। जेल में इस बार 516 लोग ने उपवास रखा तो वहीं 450 बंदियों ने यहां रोज़े रखे हैं। जो प्रशासन इन बंदियों के धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार सारी सुविधा मुहैया करा रही है। सर, रोज़ा भी चल रहा है, रमज़ान भी चल रहा है, नवरात्रि भी चल रही है, जेल में किस तरीके से कैदी पूजा पाठ करते हैं या नमाज अदा करते हैं, कितनी कैदियों की संख्या है? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। ये त्यौहार हमारे कारागार में पूरे उत्साह और जो धार्मिक परंपराएं हैं उसके अनुरूप मनाई जाती हैं। और वर्तमान में लगभग 1532 बंदी प्रथम दिन और अंतिम दिन नवरात्र के व्रत रख रहे हैं और 500 से ऊपर संख्या है 9 दिन व्रत रखने वालों की। और रोजेदार हमारे करीब इनकी संख्या 450 है। तो जो हमारी जेल के सुरक्षा और अनुशासन संबंधी नियम हैं उनकी सीमा में रहते हुए सभी धर्मानुयायी बंदी अपने अपने धर्म के हिसाब से उसका अनुपालन कर रहे हैं, उसको मना रहे हैं। संगम नगर प्रयागराज में SSP प्रयागराज ने काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने पर की कार्रवाई। बता दें, सिपाही को ट्रेनिंग देने में लापरवाही और फिसड्डी साबित हुए पुलिसकर्मी को किया निलंबित। बता दें, मुख्य आरक्षी पनोनित शमशेर बहादुर सिंह को RTC मेजर पद पर तैनात किया गया था। इन्हें सिपाहियों को अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, उनकी वर्दी को अनुशासन चेक करते रहना था, पर इनके द्वारा लगातार ढुलमुल रवैया अख्तियार किया गया था, जिस पर शुक्रवार को परेड के दौरान SSP के निरीक्षण के दौरान सभी उपरोक्त तमाम कमियां नज़र आई। कई सिपाही की बेल्ट तक सही से नहीं पहने थे तथा ड्रिल की कार्रवाई में काफ़ी कमियां पाई गई, जिसके फल कठोर कार्रवाई की गई। CO लाइन और दोनों RI से भी जवाब तलब किया जा रहा है इस बात पर। तो वहीं SSP अजय कुमार द्वारा अब शमशेर बहादुर को निलंबित कर दिया गया है उनकी काम में लापरवाही पाए जाने पर। संगम नगरी प्रयागराज में आज शहर दक्षिणी के विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज MLC चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। एक बार फिर उन्होंने पूर्ण बहुमत से जीतने की MLC प्रत्याशी के दावे किए हैं। क्या कुछ कहा है मंत्री नंदी ने, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, आज भी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने समय हमेशा देश को सर्वोच्च माना है और देश हित में, राष्ट्र हित में उत्तर प्रदेश ने 2014 के बाद जो अंगड़ाई ली है जाति धर्म मजहब की राजनीति को तिलांजलि दे करके। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आए थे, पूरे देश ने तो झूम के वोट दिया ही दिया, उत्तर प्रदेश ने गजब किया। 80 में से 73 सीट दे के, 90% से ज़्यादा सीटें दे करके एक मजबूत हाथों में इस देश की बागडोर दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 2014 से 2017 तक काम किया उस पर जनता ने मोहर लगा करके उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद पहली बार 325 सीटें दे करके उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाई। 2017 के बाद लगातार जो काम किया गया, 2019 में आपने देखा कि फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी और 2022 भी अभी आपने देखा है प्रचंड बहुमत देने का काम किया जनमानस ने। निश्चित रूप से जो नकारात्मक सोच है विपक्ष की उनको जनता ने नाकार दिया है और
जाति धर्म और मजहब की जो राजनीति है उसको तिलांजलि देने का काम किया है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं, ये नारा ये है, उद्देश्य हमारा ये धरातल पर दिखाई दे रहा है और सभी जाति धर्म मजहब के लोग हमें वोट दे रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज नवरात्रि की अष्टमी के दिन आज प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, जहां भगवान शिव की पूजा अर्चना की तो साथ जल अभिषेक व रुद्राभिषेक किया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष गणेश केसरवानी भी थे। बता दें बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज यहां पर एमएलसी मतदान से पहले पहुंचे थे, जहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और रुद्राभिषेक भी किया। भीषण गर्मी सारी हदें पार कर ली और लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में अब लोगों को चेहरा ढक कर ही निकलना पड़ता है। ऐसे में लोगों की परेशानी का सबब बनी है गर्मी। जैसे में अब यहाँ लोगों को गमछे या स्टॉल या रुमाल का इस्तेमाल करना। ऐसे बाज़ार में रंग बिरंगे कई गमछे और रुमाल और स्टॉल बिक रहे हैं, जिनकी डिमांड बाज़ारों में देखी जा रही है और लोग इसको अब गर्मी में बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ती है और लोगों का चेहरा जलता है, इससे अब लोगों को बचने के लिए कपड़े और गमछे का रुमाल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसे में बाज़ारों में देखा गया है सबसे ज़्यादा जो डिमांड दिख रही है वो भगवा कलर के गमछे की दिख रही है। जब दुकानदारों से पूछा तो उनका कहना था दाम पहले से तो बढ़े हैं, साथ ही गमछे में भी भगवा कलर की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि जब ग्राहकों से बात की गई तो ग्राहकों का कहना था कि हम बाबा जी का कलर है इसलिए इस्तेमाल करते हैं और हमें बेहद लुभाता है। वहीं देखा जाए तो बाज़ार में भगवे कलर के गमछे की डिमांड ज़्यादा है। ऐसे में क्या कुछ कहना है दुकानदार का गमछे को लेकर और क्या कुछ कहना था ग्राहकों का, आइए सुनाते हैं आपको। किस तरह से गमछे की डिमांड है, कितनी सेल है? गर्मी में भगवा कलर के गमछे की ज़्यादा डिमांड है और ज़्यादा इसकी सेल आती है। तो इस बार कितने के गमछे बिक रहे हैं? गमछे काफ़ी अच्छे बिक रहे हैं, 50 रुपये से लेकर 250 रुपये 300 रुपये तक के गमछे बिक रहे हैं। भगवा डिमांड क्यों बढ़ी है इस बार? योगी जी के कारण। क्या नाम है आपका? त्रिलोकीनाथ अग्रवाल। ठीक है। क्या रेंज का लगेगा? 50 रुपये खरीदा। तो ये कलर ही क्यों खरीदा? ये योगी जी का है कलर, योगी जी का कलर बिक रहा है इस समय धुआंधार। आप लोग का योगी जी का कलर पहन रहे हैं और क्या? योगी जी का खा रहे हैं, योगी जी का पहनेंगे नहीं? विवेक अग्रवाल। हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस मजबूत हो और हार से निराश होकर पार्टी ना छोड़े विधायक। इस पर अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद साहब ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक जड़ है और पतझड़ में पत्ते आते और जाते रहते हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से साधा है निशाना। कांग्रेस एक जड़ है और पेड़ कभी पतझड़ से नहीं प्रभावित होता, पत्ते झड़ते हैं फिर आ जाते हैं। कांग्रेस इस मुल्क की बुनियाद में है, जिसने आज़ादी की 1857 से लेकर 1947 तक की लड़ाई लड़ी, इस मुल्क को आज़ाद कराया। आज लोगों के बीच में जन जन में कांग्रेस है। राहुल गांधी आज लगातार मोदी जी के कारनामों को उजागर करते हैं तो नंदी जी को ये बुरा लगेगा ही। वो कहते हैं कि वो देश का जो प्रधानमंत्री है वो कुछ पूंजीपतियों के लिए देश चला रहा है। ये दो मुल्क है भारत के अंदर, दो तरह का मुल्क चल रहा है, एक अमीरों का मुल्क है, गरीबों का मुल्क। गरीबों की हालत ये है कि महंगाई की मार इतनी है कि गरीबों को मिट्टी का तेल तक नहीं मिल रहा है। अमीरों की हालत है, उनकी पूंजी कई 100 गुना बढ़ती चली जा रही है। तो अब नंदी जी इसके अलावा कह भी क्या सकते हैं, वो सब जगह खुदे घूम के सैर करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए हैं। और आने वाले दिनों में देखिएगा, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब होगी तब वो देखिए किधर जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां चैत्र नवरात्र की अष्टमी पर लोगों ने कन्या पूजन मंदिरों में किए, तो बहुत से लोगों ने गर्मी के कारण घर पर ही कन्या बुलाकर पूजा की। बता दें कन्याओं की पैर धोकर माथे पे तिलक लगाकर भोग लगाकर इस दिन महिलाओं ने कन्या की पूजा की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और साथ ही इस मौके पर कन्याओं को उपहार भी दिया गया। ये जो चैत्र नवरात्रि है इसमें 9 दिनों का पूरा अनुष्ठान होता है, तो जो भी लोग पूरे 9 दिन तक व्रत या पूजा उस तरीके से नहीं कर पाते हैं वो पहले दिन और 8वें दिन प्रतिप्रदा और अष्टमी वाले दिन अगर विधि विधान से पूजन करते हैं तो वही फल मिलता है जो 9 दिनों में मिलता है।
और आज के दिन ये पूरा अनुष्ठान हमारा पूरा होने के लिए, और कन्याओं को हम देवी के रूप में मानते हैं तो उन्हें घर पर बुलाकर आमंत्रित करके उनका पैर धुलकर मौली बांधकर उनके पैरों में रंग लगाकर तिलक करके और उन्हें भोग लगाकर हम उनकी पूजा करते हैं और फिर विधिवत विदाई करते हैं। नवरात्र की अष्टमी पर होती है महागौरी की पूजा, जहाँ भगवती के महागौरी रूप की पूजा अष्टमी पर की जाती है। ऐसे में क्या है विधि विधान, क्या है महत्व, आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है पंडित सिप्रा सदेव का इस पूरे मामले पर। नवरात्रि के आठवें दिन महागौरी की पूजा का विधान है। आज के दिन को दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन पूजा अर्चना करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। इस जन्म के कर्मास तो करते ही पिछले जन्म के कर्मास से भी मुक्ति मिलती है। आज कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्या पूजन का जो विशेष मुहूर्त आ रहा है यानी कि अभिजीत मुहूर्त, वह 11:50 से 12:40 तक रहेगा। 9:31 तक भद्रा है, उसके बाद ही अष्टमी तिथि का कन्या पूजन या हवन पूजन कीजिएगा। ऐसी मान्यता है कि सीता माँ ने भी महागौरी की पूजा की थी रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए, और महागौरी ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया था। जिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम है, फाइनेंस रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, राहु संबंधी प्रॉब्लम है, या लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, अगर हम माँ के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं तो माँ अपना विशेष आशीर्वाद देती है और जिससे कि हमें हर कष्टों से जो है मुक्ति मिलती है। आज के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। माँ को वैसे तो सफ़ेद फूल बहुत प्रिय है, इसलिए आज के दिन बेला की माला या बेला के फूल माँ को चढ़ाने चाहिए, या सफ़ेद गुड़हल भी चढ़ा सकते हैं। लाल और पीले वस्त्र अर्पण कीजिए। सुहागन स्त्रियाँ 7 माँ को सिंदूर चढ़ाएंगी और फिर वही सिंदूर अपने मस्तक पर या अपनी मांग भरेंगी। ऐसा करने से उनके ऊपर माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके पति की लंबी आयु आती है। बाकी लोग चाहे तो माँ को सिंदूर चढ़ा के अपने माथे पे अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा माँ को रोली, हल्दी और अक्षत अवश्य चढ़ाइएगा। माँ को नारियल आज जरूर चढ़ता है, नैवेद्य में आज नारियल चढ़ाया जाता है। इसके अलावा नारियल पर दान भी किया जाता है या नारियल से बनी हुई मिठाई भी आज माँ को चढ़ाई जाती है। इससे माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में जो भी फाइनेंस या कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आप चाहें तो एक नारियल के ऊपर जब लाल कपड़ा बांधिए तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बोल दीजिए, उसको फिर माँ के चरणों में रख दीजिए और शाम को वो नारियल को बहते पानी में आप बहा दीजिए। ऐसा करने से कष्टों से या आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आज कन्या पूजन का विशेष विधान है, तो कन्या पूजन के दिन हलवा, पूड़ी और चना चढ़ाया जाता है। पहले माँ को चढ़ाया जाता है, उसके बाद कन्याओं को खिलाया जाता है। कन्या को सुहाग संबंधी सामान दे सकते हैं अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, संतान संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम है या बच्चे नहीं हो रहे तो कन्याओं को कुछ इस तरीके का गिफ्ट दीजिए जिससे कि बच्चे होने में आपको आराम। आज ऊपर वाले की कृपा दृष्टि आप पे बरसे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदेव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, जय माता दी। संगम नगरी प्रयागराज में एडीजी जोन प्रयागराज द्वारा जनपद प्रयागराज के कोतवाली का औचक निरीक्षण कर महिला हेल्प डेस्क बंदीगृह कार्यालय अभिलेख की जांच कर परिसर की साफ सफाई एवं लंबित प्रार्थना पत्रों का शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित को दिशा निर्देश दिए। साथ ही एडीजी जोन प्रयागराज के द्वारा और आईजी रेंज प्रयागराज के द्वारा नवरात्रि के शुभ अवसर पर महिला सुरक्षा अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था के दृष्टिगत थाना सागंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन व अन्य व्यवस्थित इलाकों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया एवं ड्यूटी पर लगे अधिकारी कर्मचारीगणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर SP सिटी दिनेश कुमार सिंह व CO फर्स्ट सत्येंद्र तिवारी भी मौजूद रहे। वहीं ADG जोन प्रयागराज व IG रेंज प्रयागराज ने जंक्शन पर निकलकर स्टेशन और प्लेटफॉर्म का भी निरीक्षण किया। शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने अपने घर पर एक
बैठक कार्यकर्ताओं संघ की, जिसमें उन्होंने 14 अप्रैल को होने वाले बाबा साहब की जयंती पर कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जो कि राजापुर हनुमान मंदिर के पास होगा। क्या कुछ कहा इस पर विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने, आइए सुनाते हैं आपको। डॉक्टर राजेंद्र वाजपेयी स्मारक समिति जो मेरी दादी के नाम की ट्रस्ट चलती है उसके तहत 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम साल में होते हैं। 8 फरवरी को मेरी दादी डॉक्टर राजेंद्र वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम होता है और 2 अक्टूबर गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर भोज का कार्यक्रम होता है और तीसरा कार्यक्रम 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के दिन हम लोग निर्माण और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हम लोग कवि सम्मेलन का, राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन का आयोजन करते हैं। संघर्ष करो और संगठित रहो, ये मैसेज, और समतामूलक समाज की स्थापना और इससे राष्ट्रवाद को और मजबूत किया जाए, इसके बारे में चिंतन करते हुए इस मैसेज को नौजवानों के बीच में, बच्चों के बीच में किस तरीके से पहुंचाया जाए, इसकी हम लोगों ने आज चर्चा करी है। निर्माण का के बारे में जो चिंतन होने जा रहा है उसमें भाग लेने के लिए 7 बजे 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती के दिन राजापुर हनुमान मंदिर ढाल से नीचे मैदान में जरूर आए, राष्ट्र के कवियों को सुने, उनकी काव्य से आपका भी दिमाग चलेगा, आपके मन में भी ऐसे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।